अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान जब से कायनात बनी है तब से कोशिश कर रहा है कि उसको पता चले कि इस दुनिया में, इस कायनात में, इस सैयारा के अलावा कहीं और ज़िंदगी मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से नासा बहुत ज़्यादा तहकीकात कर रहा है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा ये निज़ाम शमसी मौजूद है और इस निज़ाम शमसी जिसके अंदर हमारी ये ज़मीन मौजूद है, तो ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके अंदर खरबों की तादाद में सैयारे, सितारे मौजूद हैं। इसके साथ एक करीबी, इसकी सबसे करीबी कहकशां एंड्रोमेडा है, वो इससे भी बड़ी है। और इस तरह की कितनी कहकशाएं इस दुनिया में मौजूद हैं? तो इस तरह की खरबों कहकशाएं मौजूद हैं। अब खरबों कहकशाएं हैं और हर कहकशां में खरबों सैयारे और सितारे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी वसी कायनात के अंदर ये क्या हम अकेले होंगे? क्या इस इतनी बड़ी कायनात के अंदर किसी और सैयारा, किसी और प्लैनेट के अंदर कोई मखलूक नहीं बसती? तो इस चीज़ का खोज लगाने के लिए साइंसदान दिन रात कोशिश कर रहे हैं और सबको ये यकीन है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब कुरान पाक भी इस हवाले से हमारी हिदायत करता है। कुरान पाक में भी इस हवाले से मालूमात मौजूद हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे साइंसी मालूमात की। तो साइंसी लिहाज से एक ऐसा सैयारा जो किसी सूरज से इतनी दूरी पर मौजूद हो जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में, पानी मायع शक्ल में मौजूद रह सकता हो, उस सैयारा को गोल्डी लॉक सैयारा कहते हैं। और इस तरह के कई सैयारे मौजूद हैं जो अपने स्टार्स से इतनी दूरी पर मौजूद हैं कि जहाँ पानी लिक्विड शक्ल में मौजूद रह सकता हो। और अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजी गई है खला में, उसका भी यही मकसद है कि उसके ज़रिए से मालूम किया जाए कि कितने गोल्डी लॉक सैयारे हैं और वो जो गोल्डी लॉक सैयारे मौजूद हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जहाँ पे कोई ज़िंदगी का हमें आसार मिलता है या ज़िंदगी के हवाले से हमें कोई चीज़ जो है वो निशानी मिल जाए। तो इस हवाले से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सारी नई तस्वीर भेजी हैं जिसको आज से पहले कभी इंसान ने नहीं देखा था। तो उसके हवाले से कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे नज़र आए हैं जो तवज्जो का मरकज़ बन गए। अब आपको एक्सोप्लैनेट के हवाले से बताता चलूँ कि व्हाट इज़ एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे निज़ामी शमसी से बाहर हो। मतलब ये निज़ामी शमसी है ना, इसमें 8 सैारे हैं जो आप जानते हैं, और वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन इन सैयारों के अलावा, इसके अलावा जो बाहर सैयारे मौजूद हैं दूसरे निज़ामे शमसी के अंदर, उनको हम एक्सोप्लैनेट का नाम देंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इन एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ के ऊपर नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर भी दिखाई दिया है, और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर जब करीब जाएँ तो ज़िंदगी नज़र आ जाए किसी न किसी शक्ल में। अब इनमें से एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसका मैस ज़मीन के मैस के बिल्कुल बराबर है, जिसकी जिसामत ज़मीन की जिसामत के बिल्कुल बराबर है, और इसका नाम LHS-475b है। ये एक एक्सोप्लैनेट इस वक्त जेम्स वेब और नासा के साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और वो इस जहाँ पे ज़िंदगी को तलाश करने की कोशिश में है। ऐन मुमकिन है कि इस सैयारा के ऊपर ज़िंदगी हमें नज़र आ जाए, क्योंकि इस सैयारा की जो ग्रेविटी होगी वो ज़मीन की ग्रेविटी के बराबर होगी, क्योंकि इसकी जिसामत ज़मीन की जिसामत के बराबर है, इसका मैस ज़मीन के मैस के बराबर है, लिहाजा इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की ग्रेविटी के बराबर होगी। अब चांद के ऊपर जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मसला क्या पेश आता है कि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, वहाँ पर उनको चलना फिरना हरकत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे प्लानट पर जाएंगे जिसकी ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी के बराबर होगी तो वहाँ पर चलना फिरना कोई मसला नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही चल फिर सकते हैं जिस तरह के हम इस ज़मीन पर चलते फिरते हैं। तो इसलिए ये सैयारा जो है ये काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो पहले से बता चुके हैं कि इस तरह के सैयारे दुनिया में, इस कायनात के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे इंसान के अलावा कुछ और दीगर मखलूकात मौजूद हैं। ये चीज़ कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह अत्तलाक की आयत नंबर 12 में इस चीज़ को वाज़ह किया गया है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और ज़मीनें भी उन्हीं की मानद, मतलब कि ज़मीनें भी साथ ही बनाई। तो अब अगर 7 अलग अलग आसमान मौजूद हैं तो उससे यही नतीजा निकलेगा कि 7 अलग अलग ज़मीनें भी मौजूद हैं। और बिल्कुल यही तफसीर की है
डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बयानुल कुरान अपनी तफसीर के अंदर उन्होंने लिखा है कि इस ज़मीन के अलावा अलग अलग अल्लाह ताला ने ज़मीनें इस कायनात में बना रखी हैं जहाँ पे अलग अलग मखलूकात मौजूद हैं। और यही जो मौजू है इसको मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में भी उन्होंने भी यही लिखा है कि इस कायनात के अंदर इस ज़मीन के अलावा दीगर ज़मीनें मौजूद हैं और उन ज़मीनों के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है। और उन्होंने लिखा है कि इतनी बड़ी वसी कायनात ये ऐसी फजूल में नहीं पड़ी हुई बल्कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इसकी मखलूकात रखी हुई हैं जो वहाँ पे बस्ती हैं और वहाँ पे एक पूरा निज़ाम कायनात रवानवा है।